लेनी चाहिए, अर्थात उसको इष्ट रूप में मानना चाहिए। तो सभी ने ये तो मान लिया कि एक भगवान की पूजा करनी चाहिए प्रारंभ में, उसका ओम नाम ले लिया, ओम नाम की साधना करते रहे, लेकिन संकट भी आते रहे, दुखों का निवारण नहीं हुआ, परमात्मा के दर्शन भी नहीं हुए, तो उन्होंने अपना अज्ञान सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा निराकार है, परमेश्वर निराकार है, और किया हुआ कर्म प्रारब्ध पाप का जो दंड है वो भी भोगना ही पड़ेगा, पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ेंगे। विधान बना दिया कि जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। इस आधार से सभी साधना भी करते रहे, कष्टों को सहन भी करते रहे, और उसके उपरांत अन्य मंत्रों को भी आधार बनाने लगे, और भी मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, सीता राम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, ये इस तरह के मंत्र हैं। ये तो बिल्कुल लोक वेद है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। ओम नाम का जाप जो है ये शास्त्र अनुकूल साधना वेदों अनुसार है, लेकिन ये ब्रह्म तक की उपलब्धि ही है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, जन्म और मृत्यु में फिर वैसे ही चक्कर लगाते रहते। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में ये स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात वहां गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में पुनः आते हैं, तो ये भी मोक्षदायक नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं आकर ही हमारे को ये बताना पड़ा, जैसा कि आपको सुबह बताया था कि 5 वेद हैं, ये 5 वेद पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म को दिए थे, ज्योति निरंजन को दिए थे, इसने 4 वेद प्रकट कर दिए, 5वां वेद छुपा दिया। 5वें वेद का प्रचार वो परमेश्वर ही आकर करते हैं। अब उस काल के दूत, जैसे आज आपने दिन में पढ़ा था सुना था कि ये जम के हलकारे फिरें, हाथों में लिए वेद, वेदों को सरोपरी मानते हुए सभी वेदों को साथ रखते थे, कौन? वो ऋषि लोग। लेकिन उनको स्वयं ये ज्ञान नहीं था वेद ज्ञान क्या दे रहे हैं, ये आपको सुबह प्रमाणित किया था। उसी ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट किया है। मंत्र नंबर 16 में पूछा है, प्रसन्न किया है, क्योंकि परमात्मा ने ही ये ज्ञान दिया है और स्वयं ही अपनी जानकारी अपने हिसाब से वर्णित की है। उसमें प्रसन्न किया गया है कि हे परमात्मा, हे पूर्ण ब्रह्म, आपका वास्तविक नाम क्या है इसका ज्ञान कराइए। फिर 17वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 में वो नाम बताया है कि वो कबीर परमात्मा, कबीर देव है, और कबीर वाणी के माध्यम से वो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है, और उस ज्ञान को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों और चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होता है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में कहा कि वो परमात्मा
उस परमात्मा जो ऋषि रूप में संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषिकृत उस ऋषि रूप में संत रूप में एक भक्त रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची गई अमृतवाणियां, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उनके ग्रुप के लिए, जो उनके अनुयायी होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रिय होती हैं। वो उस वाणी पर कायल होते हैं और वो परमात्मा वो परमेश्वर तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है। और फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 के मंत्र 26-27 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ और सतलोक से अपने निज स्थान से गति करता हुआ अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। जैसे बिजली विद्युत आकाशीय बिजली अपने स्नेह वाले स्थानों पर ही गिरती है, जैसे पहले कांसी धातु आ करती थाली बेले एक प्रांत उसके बने होते थे तो उनके ऊपर वह बिजली अवश्य गिरती थी जब संयोग होता था। तो कहने का भाव यह है कि जो अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा जिनसे उन्हीं से मिलता है जो परमात्मा को पहचान सके, यानी अपने जातीय मीन अपने प्यारी आत्मा जो भक्ति गुणों से युक्त होती हैं थोड़ा बहुत पिछले संस्कार वाली उनसे मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब जुलाहे की भूमिका करने के लिए कलियुग के प्रारंभ में प्रथम चरण में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ उत्तरदे की ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर बनारस में आए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, लहर तारा नामक एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा उस परमात्मा के अवतरण को के प्रत्यक्ष दृष्टा एक ऋषि अष्टानंद जी थे जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने रामानंद जी को जाकर बताया था कि प्रभु ऐसे ऐसे एक ऊपर से प्रकाश का गोला सा आया और ज्यों ही उसको मैंने देखना चाहा, सुबह सुबह अंधेरा सा था, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, आंखें मेरी एकदम बंद होगी, आंखें बंद हुई तो क्या देखा कि उसमें आंखों में चमकारा लगा हुआ था, वो रिफ्लेक्शन जो मैंने देखा प्रतिबिंब देखा वो एक नवजात शिशु का लग रहा था। जैसे हम सूरज की तरफ सूर्य की तरफ देखते हैं, हम ज़्यादा देर नहीं देख सकते सूर्य की तरफ, देखते ही आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद होती हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है और वो बहुत देर तक चमकता रहता है, अपने आप आंखों में प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसा ही ऋषि अष्टानंद जी के साथ हुआ था। अष्टानंद जी ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से जाकर बताया तो रामानंद जी ने कहा बेटा ये कोई ऊपर से ऊपर के लोकों से अवतार जब आते हैं ऐसे ही तारे से टूटा करते हैं और वो किसी माँ के यहाँ गर्भ में जन्म लेंगे, गर्भ में आएंगे फिर जन्म लेंगे, अपनी कोई लीला करेंगे, कोई सिद्ध पुरुष हैं या कोई अवतार हैं या कोई देव पुरुष होगा। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि जितने भी अवतार गण श्री राम श्री कृष्ण और जिनको भी ये राम अवतार मानते हैं वो सभी माँ से ही जन्म लेकर के यहाँ लीला करके गए थे। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी
5 वर्ष के हो गए। हाँ, जब नवजात शिशु को वो नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए और जुलाहे के घर मालिक की एक लीला में परिवर्ष हुई, जैसे कल आपको बताया था। थोड़ा सा हिंट्स दूंगा क्योंकि सत्संग में कुछ भक्त बदलते रहते हैं। तो नीरू नीमा उस परमात्मा को, कबीर जी को, नवजात शिशु को कमल के फूल से उठा ले गए थे। काजी नाम रखने के लिए आए तो परमात्मा ने उनकी कुरान में, जो वो कुरान लेकर आए थे, उसमें सारी में कबीर कबीर अक्षर कर दिए और कहा काजियो मेरा नाम कबीर ही रख दो। परमात्मा का इस प्रकार नामांकन हुआ। 25 दिन के हो गए थे परमात्मा लीला में शरीर में, लेकिन ना जल ग्रहण कर रहे थे, ना दूध पीवे थे, ना अन्न खावे थे और स्वस्थ ज्यों के त्यों थे। इस बात कर को देख करके वह मुंह बोली माता नीमा बहुत दुखी थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी, कल्प रही थी अपने शिव भगवान को, क्योंकि गौरी शंकर और सरस्वती नाम के यही नीरू और नीमा उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे और मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया था और ये शिवजी के बहुत श्रद्धालु पुजारी थे, इष्ट रूप में उनके पर अटूट श्रद्धा रखते थे। भले ही वह मुसलमान बन गए थे 20-30 वर्ष से, लेकिन फिर भी भगवान शिव की छाप उनके हृदय से उतरी नहीं थी, जिस कारण से वो नीमा भगवान शिव को प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपने खिलौना भी दिया, क्योंकि वो निसंतान थे। ए परमात्मा, आपने खिलौना भी दिया, अब इसको छीन रहे हो। ये लड़का मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, ऐसा दृढ़ निश्चय उसने कर लिया था। तब शिव परमात्मा कबीर जी की प्रेरणा से शिव भगवान वहाँ पर एक साधु रूप बनाकर माई से कारण पूछा। फिर परमात्मा ने, कबीर जी ने 25 दिन के लीला में शरीर में परमेश्वर ने कहा कि हे ए शिव जी, इनको कहो कि कुंवारी गायें लावें। और उसके ऊपर आप आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वह दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। शिवजी भगवान ने उनके गाय के कमर पर हाथ रख दिया, वह कुंवारी गाय थी, अपने आप दूध सतनों से दूध बह निकला। और परमात्मा ने 6 बार चर्चा की 25 दिन के बालक ने शिवजी से, और शिवजी से कहा कि आप इनको कह दो ये प्रतिदिन गायें दूध दिया करेगी, इसको मैं पिया करूँगा। ऐसा ही हुआ। अपुण्यात्माओं, ये 600 वर्ष पहले लीला मालिक ने की थी। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसी ही लीला परमेश्वर करते हैं। एक युग में एक ऐसी लीला वो करते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार करते हैं, लिपिबद्ध करवा के चले जाते हैं, सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। वो परमात्मा किसी माँ से जन्म ही नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं सबके सृष्टा हैं। पुण्यात्माओं, हम अपना पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमने रामायण महाभारत श्री कृष्ण जी की लीला लाखों बार सुनी, लाखों बार दूसरे तक बताई, चर्चा चल रही थी श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में खूब चर्चाएं करते थे हम, और अच्छी लगती थी क्योंकि हमें भगवान की चाह थी, हम श्रद्धालु थे, हमारे अंदर उस परमात्मा की जगह थी। हम आज भी वैसे ही श्रद्धालु हैं और हमने ऐसी ही क्रिया, ऐसी ही लगन, ऐसी ही श्रद्धा चाहिए। तो इसी प्रकार इस परमेश्वर की जितनी बार भी हम कथा सुने, जितनी बार महिमा को से परिचित हों, उतना ही हमें इंटरेस्ट बढ़ते रहना चाहिए।